भाई इबलीस के सब खुशियां मना रहे हैं और हमने आज चैलेंज किया है कि इमाम अबू हनीफा को मानते हो, अगर माई का दूध पिया है माँ का, इमाम अबू हनीफा की जिंदगी से एक जुलूस, एक चिरागा, एक झंडा और एक जश्न साबित कर दो, मेरी सजा मौत है। इमाम अबू हनीफा को मानते हो? जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मानता है वो एक जुलूस इमाम अबू हनीफा या शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से निकाल के दे दे, रब्बे किबरिया की कसम है मेरा खून माफ है। और मैं कुछ भी नहीं हूं, मक्खी के पर के बराबर नहीं हूं, क्यों दीन के नाम पे उम्मत को जहन्नम में डालने का ठेका उठा रखा है? किसी सहाबी ने मीलाद नहीं मनाया, जुलूस नहीं निकाला, किसी ताबी ने 12 रबीउल अव्वल को जुलूस नहीं निकाला, किसी तबा ताबेईन ने जुलूस नहीं निकाला, चार इमामों में से किसी एक इमाम ने नहीं निकाला, नहीं निकाला, शेख अब्दुल कादर जीलानी ने, बायजीद बुस्तानी ने, अली हजवेरी ने, मुइनुद्दीन चिश्ती ने, बहावलक मुल्तानी ने, सुल्तान बाहू ने, जादू वो जो सर चढ़ के बोले तेरे मजहब के बानी मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने भी नहीं निकाला है, सबूत तो पेश करो। किसी के पास कोई सबूत है मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने निकाला हो, किसी इमाम ने निकाला हो, किसी सहाबी ने निकाला हो, किसी ताबी ने निकाला हो? मैं 12 रबीउल अव्वल को मानता हूं लेकिन मनाता नहीं, इसलिए कि मेरे नबी 12 को पैदा नहीं हुए। जाओ, मेरा चैलेंज है दुनिया को, नहीं पैदा हुए 12 को। हां, मेरे नबी 12 को फौत हुए। अगर कोई मां का लाल कहता मैं गलत कह रहा हूं, आइए मेरा सर कलम कर दो। हुजूर की 12 रबीउल अव्वल की वफात का दिन, ये आपकी मर्जी है, वफात वाले दिन आप झंडियां लगाएं, हलवे खाएं, आपकी मर्जी है, मैं तो आपको नहीं रोकता। हुजूर की पदेश 9 रबीउल अव्वल की, कुछ लोगों ने लिखा 8 रबीउल अव्वल की, कुछ लोगों ने लिखा 12 रबीउल अव्वल, लेकिन पूरी उम्मत की उलमा का इत्तेफाक है कि हुजूर की वफात 12 को हुई। आज से 40-50 साल पहले इसको 12 वफात कहा जाता था। यह लड़ाई का मसला नहीं है, यह फितने फिरके की बात नहीं है। तंग आकर हर बंदा लगा हुआ है, हर जो नहीं मनाता वो काफिर है, जो नहीं मनाता वो काफिर है। असल दीन ये है, असल ईद ये है, असल चीज ये है, असल क्यों दुनिया को धोखा दिया जा रहा है? क्यों दुनिया को धोखा दिया जा रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की जिंदगी गुजारी, 63 बार रबीउल अव्वल का महीना आया हुजूर की जिंदगी में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक बार कहा हो यारो आओ मेरा बर्थडे मना लो,